ये कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है और सारे इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन से लिया गया है। इन इन्फॉर्मेशन को हम क्लेम या पुष्टि नहीं करते। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल रिपोर्ट्स का सहारा लें। इसको एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक रियल मर्डर स्टोरी की तरह ही सोचिए, क्योंकि यह एक पूरी तरीके से रियल स्टोरी है जो कि बांग्लादेश में 2023 में ही बीता है। बिल्कुल भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इस केस के बाद पूरा बांग्लादेश पूरी तरीके से हिल सा चुका था। अब तो इस कहानी को दूसरे देशों में भी सुनने वाले लोग पूरी तरीके से सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में कलयुग आ चुका है क्या? क्या आखिर अब इस दुनिया में किसी पर भरोसा भी किया जा सकता है क्या? वैसे तो यह एक तरीके का मर्डर मिस्ट्री कहानी है और इसमें हॉरर जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग सस्पेंस स्टेशन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए हॉरर और सस्पेंस से भरपूर कहानी लेकर आते ही रहते हैं। कृपया करके हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग इस कहानी को किसी भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, गाना, जियो सावन जैसे ऐप्स में सुन रहे हो तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को भी एक बार जरूर विजिट करके देखें। तो दोस्तों, ये कहानी है बांग्लादेश के चित्तगोंग इलाके में रहने वाले शिबली सादिक रिदोए की, जो एक बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके घर में आम गरीब लोगों की तरह ही पैसों की काफी किल्लत हुआ करती थी। शिबली एक 20 साल का नौजवान स्टूडेंट था, लेकिन 20 साल के अंदर अंदर ही उसकी इतनी समझ हो चुकी थी कि वह खुद के जीवन के सारे सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर वालों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। वह पढ़ाई करने के साथ साथ एक छोटा सा नौकरी भी करता था। उसको उसके लाइफ को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने थे और उसको पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत भी कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करना वैसे तो सिर दर्द वाली चीज है, लेकिन वह बड़ी ही लगन से यह काम करता था क्योंकि उसको आगे जाकर पैसों की जरूरत थी और वह अपने सपनों को उन पैसों के मदद से ही पूरा करना चाह रहा था। और तो और, अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ वह अपने घर में भी थोड़ी बहुत पैसे देकर अपना योगदान देना चाहता था। शिबली मेहनती होने के साथ साथ एक बहुत ही सेंसिटिव लड़का भी था। वह छोटी छोटी बातों में डर जाता और दुखी हो जाता। उसको गुस्सा भी बहुत तेज आता, लेकिन बहुत तेज शांत भी हो जाता। ऐसे में वह जो पोल्ट्री फार्म में काम करता था, वह उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर था। क्योंकि शिबली पढ़ा लिखा था, इसलिए उस पोल्ट्री फार्म के मालिक ने शिबली को वहां का मैनेजर रखा था। वह उस पोल्ट्री फार्म में सब कुछ देखभाल करता था, हिसाब रखता था और सारे मजदूरों को इंस्ट्रक्शन देता था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। उस पोल्ट्री फार्म में शिबली के साथ साथ 6 मजदूर और भी काम करते थे। वह लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। वह लोग एक मरमा कम्युनिटी से आते थे, बांग्लादेश में मरमा ट्राइब। वैसे तो बहुत ही अच्छा ट्राइब माना जाता है, लेकिन कहते हैं ना, किसी भी तरीके का कम्युनिटी का कोई गलती नहीं होता। यह लोगों का माइंडसेट ही है जो लोगों को हैवानियत वाले काम करवाती है। ऐसे में वह जो 6 मजदूर थे, उन लोगों को शिबली का मैनेजर होना बहुत ज्यादा खटक रहा था। उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उन लोगों से 5 साल छोटा लड़का किस तरीके से उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इधर शिबली बहुत ही प्यार से उन लोगों को मेंटेन करता था और हर काम सही से मैनेज करवाता था, लेकिन कुछ लोगों का मन में ही खोट होती है। एक दिन एक छोटा मोटा झगड़ा मजदूरों और शिबली के बीच हो गया और उन लोगों के बीच थोड़ा बहुत टूटू मैं हो गया। ऐसे में उस पोल्ट्री फार्म के मालिक ने तुरंत ही उन लोगों के बीच सुलह कर दिया और सारा झगड़ा खत्म करके उन लोगों को फिर से अपने अपने काम में लगवा दिया। क्योंकि शिवली एक बहुत ही दयालु और सेंसिटिव लड़का था, तो उसने उन लोगों को तभी माफ कर दिया और वह उस बात को भूल भी गया। लेकिन उन मजदूरों का क्या, जो लोग पहले से ही शिबली से जलते थे? और तो और, वह लोग कैसे भी करके बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उन लोगों से छोटा शिबली किस तरीके से उन लोगों से झगड़ा कर लिया। बदले की आग उन लोगों में जलने लगी, लेकिन वो लोग शांत रहे। कुछ दिन बीत गए, शिबली भी अपने काम में व्यस्त था और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो ही रहा था। लेकिन इधर ये 6 मजदूर एक रात जब सोने गए, तब सबने मिलकर फिर से उस बात को छेड़ दिया। फिर से 6 लोगों में उसे बात का जहर उगल आया। सब फिर से शिबली से बदले लेने के बारे में सोचने लगे। उन लोगों में से एक मजदूर, जिसका नाम उमंग चिंग मरमा था, जिससे शिबली की में झगड़ा हुई थी, तुरंत उस रात उसने प्लान बनाया कि क्यों ना शिबली को किडनैप कर लिया जाए
और उसके माँ बाप से 15 लाख बांग्लादेशी टाका लिया जाए, क्योंकि वह जितने भी मजदूर वहां पर थे सब अनपढ़ और गवार थे उन लोगों को। यह सब चीज बदले की भावना में एक नॉर्मल चीज और हंसी मजाक सा लग रहा था। उन लोगों को किसी का भी दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं था, वह लोग तो सिर्फ शिबली से बदला लेना चाहते थे। आखिरकार 28 अगस्त 2023 को उस पोल्ट्री फार्म में से शाम होते ही शिबली को किडनैप कर लिया गया। शिबली को किडनैप करने के बाद उसे एक बंद कमरे में रखा गया था। वह एक ऐसा घर का कमरा था जिसमें कोई भी गांव वाले नहीं घुसते, क्योंकि वह घर बहुत समय से बंद पड़ा हुआ था। ऐसे में अचानक शिबली को एक समय मौका मिला कि वह वहां से किसी को मदद के लिए बुला सके। शिबली को एक मजदूर का फोन वहां पर उस घर में पड़ा हुआ मिला। उसने अपने घर में फोन करके बताया कि उसे किडनैप कर लिया गया है। वह इसके आगे कुछ और बोल पाता कि अचानक वहां पर 3-4 मजदूर जिन्होंने उसे किडनैप किया था वह वहां पर आ गया और उसका फोन फटाक से लेकर काट दिया। उसके बाद शिबली को उन लोगों के द्वारा मारा और टॉर्चर किया गया, क्योंकि शिबली का झगड़ा उमंग चिंग मर्मा नाम के एक कर्मचारी से हुआ था और उसी ने यह सब प्लान बनाया था। तो उसने आगे का प्लान के मुताबिक शिबली के घर में वापस फोन लगाया और उसके माँ बाप से 15 लाख बांग्लादेशी रुपए का डिमांड किया। शिबली की माँ नाहिद ने यह सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह जोर जोर से रोने बिलकने लगी और फोन में सिर्फ यही कहने लगी कि आखिर किस तरीके से हम लोग 15 लाख रुपए तुम्हें दे सकते हैं? हम बहुत गरीब परिवार के हैं और हमारे पास 15 लाख तो क्या 1 लाख भी नहीं है। लेकिन इधर यह जो अनपढ़ गवार जाहिल मजदूर थे, उन्हें इतना तो पता था कि शिबली भी एक गरीब परिवार का लड़का है, तो उन्होंने तुरंत बताया कि ठीक है, 15 लाख नहीं, लेकिन कैसे भी करके कम से कम 2 लाख रुपए हमें चाहिए, इंतजाम करके दो, वरना हम लोग शिबली को यहीं पर मार देंगे। ऐसे में शिबली का माता पिता दोनों परेशान हो गए। वह इसके उसके पास से पैसा लेने और जुगाड़ करने लगे। दिन रात बिना खाए पिए वह लोग बस यही कर रहे थे। कैसे भी करके उन लोगों को 2 लाख रुपए जुगाड़ करना था और अपने घर के बेटे को फिरौती देकर वापस लाना था। ऐसे में कुछ ही दिनों के बाद 2 लाख रुपए इधर उधर से जमा तो हो गए, लेकिन यह करते करते कुछ दिन बीत गया था। हालांकि शिबली के माता पिता और उन मजदूरों की इस बीच बातें फोन पर रोज हो ही रही थीं। ऐसे में शिबली के माँ बाप को आखिरकार 4 सितंबर को पैसे ले आने का समय दिया गया। फटाफट शिबली का पिता 2 लाख लेकर उन लोगों के बताए गए जगह पर चला गया और पैसे देकर अपने बेटे के बारे में पूछने लगा। लेकिन उन लोगों ने बोला कि पैसे मिल गए हैं, अब तुम चले जाओ अपने घर, शिबली भी कुछ ही समय में अपने घर पहुंच जाएगा। यह सुनकर वह लाचार पिता करता भी किया। वह चुपचाप रोते बिलखते अपना घर आ गया। आनन फानन में 2-3 दिन बीत गए। उन लोगों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। उन लोगों ने अभी तक ना तो यह बात किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताया था और ना ही पुलिस में ENF IR दर्ज करवाया था। लेकिन अब उन लोगों का सब्र का बांध टूट गया था। उन लोगों को लगने लगा था कि पैसे लेकर वह लोग अभी तक शिबली को नहीं छोड़े हैं, कहीं शिबली जिंदा भी तो है। अब तो हम लोगों को कैसे भी करके पुलिस से ही मदद लेनी पड़ेगी। जैसे ही यह बात पुलिस को पता लगी, पुलिस आनन फानन में शिबली का खोज शुरू कर दिया। पूरे गांव वाले से पता करने पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे में इस सब चीजों का पता पूरे गांव वालों को भी पता चल गया। एक तरीके से यह बात आग की तरह फैल गई। गांव के लोग भी शिबली को ढूंढने के लिए आतुर दिख रहे थे। वह लोग भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को एक दिन उस पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे मजदूरों पर ही शक हो गया और उन लोगों को उठाकर जांच शुरू कर दी गई। पहले तो वह लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन वह समय भी जल्दी आ ही गया जब उन लोगों को सच बताना पड़ा। और सच सुनकर सब पुलिस वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। वहां की पुलिस ने पहले कभी भी ऐसी दर्दनाक किडनैपिंग और मर्डर के बारे में नहीं सुना था, वो भी उनके इलाके में। ऐसे में उन आरोपियों से सब बातें खुल के बताने को कहा गया। तो फिर आखिरकार वह दिन आ गया जब पुलिस खुलासा में पता चला कि वह जो 6 मजदूर थे, उन लोगों ने सिर्फ शिबली को किडनैप करके बदला लेना चाहते थे। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि वह लोग पकड़ा ना जाए, इसलिए शिबली को मारना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों ने डिस्कस करके शिवली को आखिरकार मार डाला। पुलिस ने पूछा कि अच्छा, तो हमें लाश देखना है, आखिरकार लाश कहाँ गया? ऐसे में उन लोगों ने कहा कि वह लोग एक जंगल भरे रास्तों से गुजर के एक पहाड़ी में शिबली के लाश को फेंक दिया था।
बाद में कुछ रिपोर्टर्स ने खुलासा किया और हरकम मचा दिया, क्योंकि उन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन लोगों ने फंसने की डर से उस लाश को काट काट के चिकन की तरह पकाकर खा लिया, ताकि वह लाश पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए। वह लोग चाहते थे कि लाश का कोई ठिकाना ना रहे, इसलिए वहीं लोगों ने उसे लाश को खा लिया और हड्डियों को उस पहाड़ में फेंक दिया। यह सब सुनते ही लोग आग बबूला हो गए। वहां के लोग चाहते थे कि उन आरोपियों को तुरंत पकड़कर सजा दिया जाए। 11 सितंबर को पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो वहां पर एक कंकाल सच में मिला। कंकाल देखकर माता पिता रोने लगे और उसके रिश्तेदार भी साथ में आंसू बहने लगे। पुलिस को यह बात कंफर्म हो चुका था कि उसके मिट को सच में पकाकर खाया गया होगा, क्योंकि वहां पर बस कंकाल पड़ा हुआ था। ऐसे में पुलिस उस कंकाल को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर उस क्राइम सीन से सभी आरोपियों को पुलिस वापस थाना ले जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही आग बबूला हुए गांव वालों ने पुलिस गाड़ी को रोककर उन आरोपियों को पकड़कर इतना पिटा कि मुख्य आरोपी उमंग चिंग मरमा की मौत हो गई और बाकी आरोपियों को जैसे तैसे पुलिस वाले वहां से ले गई। फिलहाल मामला की जांच अभी जारी है, लेकिन आज भी लोग इस मर्डर मिस्ट्री केस को जान के हिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें।